गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। सो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई देख रहे थे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है उस पर हमने देखा डिवीजन यूमाइकोटा में हमने सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना देख रहे थे हम, और एस्कोमाइकोटिना में हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस देख रहे थे। अब उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास, दैट इज लोकोलो एस्कोमाइसिटीज। तो जो लोकोलो एस्कोमाइसिटीज है उसमें एस्कोकार्प है वो एस्कोस्ट्रोमेटा, इसके जो कैरेक्टर्स है एस्कोकार्प है वो एस्कोस्ट्रोमेटा या फिर सूडोथीशियम से बना हुआ होता है। इसमें प्रेजेंस भी होता है या इसमें प्रेजेंट होता है या तो एब्सेंस होता है। स्टराइल स्ट्रक्चर, जो सूडो पैराफाइसिस का जो स्टराइल स्ट्रक्चर है उसका प्रेजेंस भी हो सकता है या एब्सेंस भी हो सकता है एस्कोकार्प में। और जो एस्काई है वो कैसी होती है, वो बाइट्यूनिकेट होती है, ठीक है, दो लेयर फॉर्मेशन में होती है वो। और ये बॉन्ड करता है लोकोलस में इन स्ट्रोमैटिक टिश्यू में फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसमें जो क्लास लोकोलो एस्कोमाइसिटीज है इसमें हम देखेंगे ऑर्डर। पहला ऑर्डर है प्लूरोस्पोरेलिस, इसमें जो फैमिली है वो है वेंचुरेसी फैमिली आती है, प्लूरोस्पोरेसी फैमिली आती है इसमें। तो जो वेंचुरेसी फैमिली है उसका एग्जांपल क्या है, वेंचुरिया इनिक्वालिसिस। वेंचुरिया जो इनिक्वालिसिस है ये है, ये कॉज करता है डिजीज इन एप्पल स्कैब डिजीज में, ये कॉज एप्पल में ये स्कैब डिजीज कॉज करता है। और जो इसका इम्परफेक्ट स्टेज है वो सिप्लोसिया फोमाई है इसका। और नेक्स्ट फैमिली है प्लियोस्पोरेसी फैमिली है, इसमें एग्जांपल है कॉक्लीबोलस मियाबेनिस। तो इसमें जो इम्परफेक्ट स्टेज है वो बाइपोलरस ओराइजी है, ये राइस में कॉज करता है डिजीज। नेक्स्ट ऑर्डर इज मायरिएंजिलेसिस, इसमें फैमिली मायरिडियासिस फैमिली है, एग्जाम्पल है इसका एलिसिनो एम्फिलीना। और इसका इम्परफेक्ट जो स्टेज है वो सिफेलोसोमा एम्फेलिनियम है। नेक्स्ट ऑर्डर हम देखेंगे वो है डोथिडालिस, फैमिली है डोथिडियेसी, एग्जाम्पल है माइकोस्पेरेला आर्किडिस माइक्रोस्पेरेला आर्किडाइस। और इम्परफेक्ट स्टेजेस में सर्कोस्पोरा आर्किडिकोला। और नेक्स्ट वन जो एग्जाम्पल है माइक्रोस्पेरेला बर्काई, इम्परफेक्ट स्टेज है इसमें सर्कोस्पोरोडियम परसोमनाटा। ये जो है जो ये डोथिडियेसी जो फैमिली के जो है ये जो कॉज करता है जो डिजीज, ये जो जीनस जो माइक्रोस्पेरेला है जो डिजीज, माइक्रोस्पेरेला जो डिजीज है ये कॉज करता है टिक्का डिजीज इन कोकोनट। कोकोनट जो होता है हमारा टिक्का डिजीज इन ग्राउंडनट, सॉरी नॉट कोकोनट इज ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट में ना मूंगफली होती है, तो मूंगफली में ये एक टिक्का डिजीज कॉज करता है। मूंगफली की जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों में ऐसे जो धब्बे धब्बे टाइप्स के फॉर्म होते हैं, तो वो डिजीज ये इस फैमिली से कॉज होती है, ठीक है। ये जेनेरा है माइकोसेफेरा, ये जो जेनेरा है ये कॉज करता है उस डिजीज को। अब देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लूरोस्पोरेलिस की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। फैमिली है इसमें वेंचुरेसी, वेंचुरेसी फैमिली है। और ये क्या कॉज करती है वेंचुरेसी फैमिली, ये एप्पल स्कैब डिजीज कॉज करती है। तो जो वेंचुरेसी फैमिली है इसमें फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है, इसमें सूडोथीशियम होती है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी सूडोथीशियम होती है, जो कि प्रोड्यूस होती है एपिडर्मल जो है, एपिडर्मल या सब क्यूटिकुलर जो होता है वहां पे ये प्रोड्यूस होती है। और इसमें इसमें प्रेजेंस होता है सूडो पैराफाइसिस का फ्रूटिंग बॉडी में, ठीक है। तो सूडो पैराफाइसिस का इसमें प्रेजेंस होता है। पोनिडियोफोर जो होता है ना, ये जो हमारा पोनिडियोफोर है, तो ये जो होता है ये कैसा होता है, ये शॉर्ट होता है और शॉर्ट पोनिडियोफोर होता है। और साथ में ये फ्लेम शेप का, ये दिख रहा होगा फ्लेम, फ्लेम शेप का ये क्या होता है, कोनिडिया होता है फ्लेम शेप का। अब फ्लेम शेप क्या होती है, फ्लेम शेप का मतलब होता है जैसे जो आग होती है ना, आग का जो फ्लेम होता है
आपकी जो फ्लेम होती है ना, लपटे जिसे बोलते हैं, आपकी लपटे, उस शेप का इसका कोनिडियम होता है। और कोनिडियोफोर इसका कैसा होता है, ये शॉर्ट कोनिडियोफोर होता है। तो अब जो कोनिडियोफोर है वो कोनिडिया को रिसेम्बल करता है, और इसमें क्या होता है, शॉर्ट बर्निंग कैंडल वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट बर्निंग कैंडल के जैसे रिसेम्बल लगता है कोई, जैसे क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो कोनिडिया है ये फ्लेम के जैसा दिख रहा है, और कोनिडियोफोर कैसा है, छोटा सा है, तो इससे हमें ऐसा लगता है कि जैसे कैंडल, जो मोमबत्ती है ना, कि वो मोमबत्ती जल रही है, इस टाइप से दिखता है। अब इसमें जो एस्कोस्पोर है वो दो सेल से होता है। जो एस्कोस्पोर है ना वो कैसा होता है, इसमें वो दो सेल का होता है, और एपिसोइड और अनइक्वल होता है एक्चुअली। इसमें जो एस्कोस्पोर होता है, ये जो सेल है ना, इसलिए इसको वेंट्रिकुलर इनइक्वालिस बोलते हैं, जो है ना इनइक्वालिस। इनइक्वालिस का मतलब, इनइक्वालिस नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो इसका जो सेल होता है ना वो कैसा होता है, वो इक्वल नहीं होता, एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा, इस टाइप से होता है, वो अनइक्वल होता है। उसी कारण इसका नाम बोला गया है वेंट्रिकुलर इनइक्वालिस। और इसका किस में कॉज करता है, ये एप्पल स्कैब में कॉज करता है ये डिजीज। और इम्परफेक्ट स्टेज है इसका, इसका जो इम्परफेक्ट स्टेज है वो सिलोसिया फोमाइन, इसका इम्परफेक्ट स्टेज है इसका। पियर में भी एप्पल, पियर में भी ये पियर स्कैब भी कॉज करता है, और जो पियर में स्कैब कॉज करता है वो क्या है, वेंट्रिकुलर पायरिना, वेंट्रिकुलर पायरिना इसमें पियर में कॉज करता है। नेक्स्ट वन पियर स्कैब बोलते से, ठीक है। नेक्स्ट वन है इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, फैमिली प्लूरोफोरेसी। अभी हमने जो फैमिली देखी, पहले क्या देखी हमने, प्लूरोफोरेल्स ऑर्डर में, हमने जो ऑर्डर चल रहा है वो प्लूरोफोरेल्स ऑर्डर चल रहा है। फैमिली हमने अभी देखी वेंट्रिकुलेसी फैमिली, अब हम नेक्स्ट फैमिली देखेंगे प्लूरोफोरेसी फैमिली। प्लूरोफोरेसी फैमिली में क्या होता है कि जो एस्कोकार्प होता है वो सूडोथीशियम का ही होता है, ठीक है इसमें भी, लेकिन जो एस्कोस्पोर है ना वो फिलीफॉर्म होता है, और बहुत सारे सेल होते हैं। अभी हमने वेंट्रिकुलर में क्या देखा था, जो एस्कोस्पोर है वो दो सेल का होता है, ठीक है, और वो एप्लिसॉइड होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि प्लूरोस्पोरेसी में क्या हुआ है कि जो एस्कोकार्प है वो फिलीफॉर्म है, और बहुत सारे जो सेल से बना हुआ होता है। कोनिडिया, कोनिडिया कैसा है, कोनिडिया है इसमें डार्क, डार्क कोनिडिया है, और स्लेंडर शेप में है जो कोनिडिया है। और इसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्स सेप्टा भी होते हैं उसमें, जो कोनिडिया है ना ये कैसा है, ये जो ये कोनिडिया होता है इसमें, ये डार्क शेप का है इसमें कोनिडिया, और उसमें सेप्टेशंस है कोनिडिया में, ठीक है, ट्रांसवर्स सेप्टा है, जिसे हम सूडो सेप्टा भी बोलते हैं। और किसमें होता है ये, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस में होता है, पॉप्लीबोरस मैबेनेसिस इसका एग्जाम्पल है। और इसमें इम्परफेक्ट स्टेज क्या है, बाइपोलरस ओराइजी, ठीक है, ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइज है, बाइपोलरस ओराइजी इम्परफेक्ट स्टेजेस में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लीफ स्पॉट ऑफ मेज, लीफ स्पॉट ऑफ मेज में क्या है, पॉक्लीबोलस हेट्रो, पॉक्लीबोलस हेट्रोस्ट्रोफस इसका एग्जाम्पल है मेज में, मेज यानी भुट्टे में, ठीक है, लीफ स्पॉट कॉज करता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अब हम दूसरा ऑर्डर देखेंगे, हम जो अभी अभी हमने जो सेकेंड इसमें ही एस्कोमाइकोटिना में ही क्लास में हम एस्कोमाइकोटा जो सब डिविजन है, तो उसमें ही हम नेक्स्ट जो एस्कोमाइकोटा में जो क्लास है लुकुलो एस्कोमाइसिटीज में ही हम नेक्स्ट सब ऑर्डर देखेंगे। पहला ऑर्डर हमने देखा था वो था प्लूरोस्पोरेलिस, अब जो नेक्स्ट ऑर्डर देखेंगे मायरिंजियोजेनेसिस देखेंगे हम नेक्स्ट ऑर्डर। अब जो मायरिंजियोजेनेसिस है इसमें क्या होता है, फैमिली मायरिंजियेसी फैमिली है, और जो इसका एस्कोस्पोर है, ठीक है, इसका जो एस्कोस्पोर है वो कैसा होता है, एस्कोस्ट्रोमेटा होता है, और उसमें यूनिएस्क्यूलस होता है, ठीक है। इसमें जो लोक्यूलस है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग, इसमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग, जो लेवल्स होते हैं उसके एस्कोस्ट्रोमेटा के, जो डिफरेंट डिफरेंट एक से दूसरा लेवल, दूसरे से तीसरा लेवल में ये अलग अलग तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। एस्काई इसकी कैसी होती है, ग्लोबुलस शेप की होती है, और इसका वॉल जो है वो थिक होता है, थिक वॉल होता है, मोटा सा वॉल होता है इसमें, और इसमें 8 एस्कोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। और जो एस्कोस्पोर है ना वो
चार सेल का बना होता है। हमने जैसे वेंचुरिया में पढ़ा था कि वो दो ही सेल का बना होता है, और फिर हमने वेंचुरिया के बाद हमने प्लूरोस्पोरेसी में पढ़ा था, बहुत सारे सेल्स का होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एस्कोस्पोर है वो चार सेल का है, सिर्फ चार सेल का है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिट्रस कैब इसका एग्जाम्पल है। एलिसिनो फैसिटाई इसका कॉज करता है इसमें डिजीज। तो जो सिट्रस कैप क्या है, जो संतरे होते ना, संतरे में जो कॉर्की टाइप का अपियरेंस आता है संतरे में ना, तो उसको सिट्रस कैप बोलते हैं। ठीक है, ठीके? मतलब जो संतरा है, संतरे के ऊपर इसमें आपको ऐसे छेद छेद टाइप का, ना संतरे के ऊपर में आपको ऐसे डब्बे डब्बे टाइप्स के ऐसे मोटे मोटे से कड़क कड़क डब्बे दिखेंगे, उसको बोलते हैं सिट्रस कैप। ग्रेप्स में एंथ्रेक्नोज होता है ग्रेप्स में। एलिसिनोई इसमें एम्फेलिना ग्रेप में कॉज करता है। मैंगो स्कैब, मैंगो में भी डिजीज कॉज करता है। एलिसिनोई मैंजी फेराई इसमें कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरा ऑर्डर देखेंगे दोथी डी लैलिस। तो इसमें फैमिली है दोथी डी एसी फैमिली है। इसमें जो एस्को कार्प है वो कैसा होता है, वो सूडोथीशियम का होता है। एस्को कार्प होता है इसमें स्पैरिकल शेप का होता है। ठीक है, स्पैरिकल शेप का होता है और इमर्स करता है जो होस्ट टिश्यू को इमर्स करता है। और आइस वो ओस्टियोलेट होता है ना, वो विद पेरिफाइसिस में होता है। पॉली ओस्टियोमिक पेरिफाइसिस होता है, सूडो पेरिफाइसिस एब्सेंट होता है इसमें। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि सूडो पेराफाइसिस प्रेजेंट हो रहा था, लेकिन इसमें सूडो पेराफाइसिस क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है। एस्काई कैसा है, क्लेवेट है और आठ एस्कोस्पोर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, आठ एस्कोस्पोर इसमें प्रेजेंट है और जो एस्कोस्पोर है वो दो ही सेल का है, हाइलेनाई है, दो ही सेल का है, यानी कि आप क्लियरली इसको देख सकते हो। ठीक है, पारदर्शी है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो स्पर्माइटाइजेशन से होता है। स्पर्माइटाइजेशन से इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कुछ स्पीसीज में, और कुछ स्पीसीज प्रोड्यूस करती है स्पर्माटिनियम इन स्पर्मागोनियम में ये प्रोड्यूस करती है। स्पर्माइटिया इन स्पर्मागोनियम में प्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल है इसका, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है डोटियोडिएसी फैमिली जो है, डोटियोडिएसी फैमिली का जो एग्जाम्पल है टिक्का डिजीज लीफ स्पॉट ना ग्राउंडनट में ये कॉज करती है। अर्ली लीफ स्पॉट को हम बोलते हैं माइकोस्पेरेला आर्किडीज। इसमें माइकोस्पेरेला आर्किडीज होती है और इसमें जो इम्परफेक्ट स्टेज है वो सर्कोस्पोरा आर्किडिकोला है। इम्परफेक्ट स्टेज सर्कोस्पोरा आर्किडिकोला, वही टिक्का डिजीज में लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट। पहले अर्ली होती है जो मूंगफली है, मूंगफली की जो पत्तियां होती है उसमें पहले अर्ली आती है, मतलब पहले आती है जो डिजीज, मतलब जो पहले ना स्पॉट आने लग जाते हैं ना उसको हम बोलते हैं माइकोस्पेरेला आर्किडीज। और जो अगर और इसका इम्परफेक्ट स्टेज है सर्कोस्पोरा आर्किडिकोला, लेकिन जो लेट आती है मतलब बाद में आती है ना, तो इस लीफ स्पॉट को बोलते हैं, लेट लीफ स्पॉट को हम क्या बोलते हैं, माइकोसिफेलिस बर्केलाई। और जो इसका इम्परफेक्ट स्टेज है वो इसका है फेजियो सेरियोप्सिस पर्सोनाटा इसका है। ठीक है, और नेक्स्ट वन सिगाटोका लीफ स्पॉट ऑफ बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है सिगाटोका लीफ स्पॉट ऑफ बनाना। ये साउथ में ये डिजीज साउथ में बहुत कॉज करती है इसमें बनाना में जो सिगाटोका लीफ स्पॉट है। तो इसका एग्जाम्पल इसका जो जीनस है वो माइकोस्पेरेला म्यूसिकोला, बनाना का म्यूसिकोला है। ठीक है, और इम्परफेक्ट स्टेज है इसका सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला, इसका इम्परफेक्ट स्टेज है। तो हमेशा ये जो टिक्का डिजीज है और ये जो सर्कोस सिगाटोका लीफ स्पॉट ऑफ डिजीज बनाना की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है। नेक्स्ट वन
इम्परफेक्ट जो स्टेज है जेनेरा क्लासेस ल्यूकोएस्कोमाइसिटिस का, अभी हमने जो जितना भी देखा उनमें उसके परफेक्ट स्टेज और इम्परफेक्ट स्टेज, वेंटुरिया इनिक्वालिस एप्पल स्कैब का है, उसका इम्परफेक्ट स्टेज है सिपेलोसिया होमाई, कॉक्लिबोरस मेबेनेसिस ये है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का, बाइपोलरस ओराइजी है, एलिसोनाई एम्फिलिना इसका है सिफेलोमा एम्फिलिनियम, माइक्रोस्पेरेला आर्किडिकोला सर्कोस्पोरा आर्किडिकोला इसका इम्परफेक्ट स्टेज है, माइक्रोस्पेरेला बर्काई और इम्परफेक्ट स्टेज है, फेजियोसेरियोप्सिस पर्सोनाटम, फेजियोसेरियोप्सिस पर्सोनाटम इसका इम्परफेक्ट स्टेज है, माइक्रोसिफेला म्यूसिकोला सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला जो बनाना में सिकाटोपोलिस स्पॉट जो बनाना में कॉज करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सब डिविजन बेसिडियो माइकोटीना। अभी तक हमने जो देखा वो हम देख रहे थे सब डिविजन एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना अभी तक हमने एस्कोमाइकोटीना के क्लासेस पढ़ते आ रहे थे, अब हम देखेंगे एस्कोमाइकोटीना का ये जो लास्ट क्लास था, लास्ट इसमें जो क्लास है ये है लोकेलो एस्कोमाइसिटिस था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सब डिविजन बेसिडियो माइकोटीना। तो जो बेसिडियो माइकोटीना है तो इसमें जो मेंबर है, तो इसमें जो मेंबर है वो सब डिविजन इसमें ये हाईली एडवांस फंजाई। अभी तक हम कैसी फंजाइज देख रहे थे वो मतलब ये इन इन तीन फंजाइयों में जो हमारी ये जो तीन फंजाइज है तो इसमें तो जो ये जो अभी तक हम जो जो ये तीन डिवीजन हम बता मैंने जो आपको तीन हायर फंजाइज के जो डिविजन्स बताए थे एस्कोमाइकोटीना पेसिडियोमाइकोटीना और डेटिडियोमाइकोटीना में जो ये बेसिडियोमाइकोटीना है ये सबसे ज्यादा हाई एडवांस्ड फंजाई है। तो जो नाम है बेसिडियोमाइकोटीना ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ना सेक्सुअल स्पोर को प्रोड्यूस करता है, ये ठीक है सेक्सुअल स्पोर को प्रोड्यूस करता है और एक स्पेशल क्लब शेप का इसकी ना फ्रूटिंग बॉडी होती है, जो इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है ना बाहर की तो ये फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर ये ना स्पोर को बियर करता है, स्पोर को प्रोड्यूस करता है, मतलब स्पोर बनाता है जो फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है फ्रूटिंग बॉडी में जो स्पोर बनते हैं तो स्पोर को हैंडल करता है बियर करता है। तो जो ये फ्रूटिंग बॉडी है वो कैसी होती है क्लब शेप की होती है, क्लब शेप यानी फिंगर के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिडियम। और इसमें ना एक डेफिनेट नंबर का सेक्सुअल स्पोर होता है, तो जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं इसमें प्रेजेंट वो कैसे होते हैं डेफिनेट नंबर के होते हैं तो उनको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं उनको, और वो यूजुअली ना वो चार होते हैं नंबर में, ठीक है और वो एक मतलब जो चार तो नंबर में होते हैं और साथ में वो क्या करते हैं वो हर एक प्रोड्यूस करता है ईच बेसिडियम, हर एक एक बेसिडियम में प्रोड्यूस्ड होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना तो चार होते हैं तो उसमें हर एक एक बेसिडियम में एक एक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो फंजाई है ये बिलोंग करती है इसी सब डिविजन से, उसको हम जो फंजाई ना बेसिडियोमाइकोटीना से बिलोंग करती है तो उसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई, उन फंजाइयों को हम बोलते हैं क्लब फंजाई। और जो ग्रुप है इसमें जो ग्रुप्स आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वन मशरूम, मशरूम बेसिडियो माइकोटीना के अंदर ही आते हैं, ठीक है। सेल्फ फंजाई आती है, जेली फंजाई होती है जो कि आपको उसमें दिखेगी, जेली फंजाई है जो ओशंस वगैरह में आपको आराम से दिख जाएगी, जेली फंजाई पफ बॉल, ठीक है। कोरल फंजाई भी ओशंस वगैरह में दिख जाएगी आपको, ब्रैकेट फंजाई, बर्डनेस फंजाई, स्टिंग हॉर्न, रस्ट और स्मट, रस्ट और स्मट भी जो कि हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रस्ट और स्मट वीट में आता है जो, तो ये भी पेसिडियो माइकोटीना ग्रुप से ही बिलोंग करता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जनरल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं पेसिडियो माइकोटीना के। तो ये प्रोड्यूस करता है जैसे कि हमने देखा था सेक्सुअल स्पोर को प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं बेसिडियो स्पोर कहते हैं। तो ये ऑन द आउटसाइड में होता है, कैसे होता है ऊपर के साइड मतलब आउटसाइड बाहर में होता है, ये अंदर नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना एस्कोस्पोर वगैरह जो पीथियम ये जो इसमें जो बन रहे थे तो वो इनसाइड बन रहे थे, एस्कोस्पोर एस्को कार्प के अंदर बन रहा था, है ना,
देखा था एस्कोस के अंदर बन रहा था, सॉरी एस्कोस 4 एस्कोस के अंदर बन रहा था, वो अंदर हो रहा था ना, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बाहर के साइड है, ठीक है, बाहर के साइड इसमें बियर कर रहा था। और स्पेशलाइज्ड जो ये स्पोर है वो प्रोड्यूस करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बैसिडियम। अब इसमें क्या होता है, एक टिपिकल बैसिडियम है जो क्लब शेप का होता है। कैसा होता है बैसिडियम, कैसा होता है क्लब शेप का, मैंने आपको पहले बताया कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और उसमें चार बैसिडियम स्पोर होते हैं जो पॉइंटेड प्रोजेक्शन में होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिग्माटा, स्ट्रिग्माटा उसको हम बोलते हैं। तो जो चार बैसिडियम वो पॉइंट पे जो होते हैं ना उसको हम बोलते हैं स्टेरिग्माटा। अब नेक्स्ट है बैसिडियोस्पोर। बैसिडियोस्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है, हैप्लॉइड नंबर में होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, सेल सिंगल मतलब जो न्यूक्लियस है ना एक ही होता है, ठीक है, और इसकी वजह से ये प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस इसमें ऑकर होता है, ठीक है। डाइकैरियोटिक जो फेज है वो डोमिनेंट होता है लाइफ साइकिल, इसकी पूरी लाइफ साइकिल में डाइकैरियोटिक फेज ना डोमिनेंट होता है। इसमें प्रेजेंस है किसका, क्लैम्प कनेक्शन का माइसीलियम में, ऐसे ना बहुत सारे क्लैम्प कनेक्शन होने लग जाते हैं माइसीलियम में, बहुत सारा ऐसे मतलब मिक्सचर ऐसे वो होता है, बहुत सारे गुच्छा टाइप का फॉर्म होने लग जाता है माइसीलियम का। इसमें क्या होता है, डाइपोलर सेप्टम होता है प्रेजेंट, अभी हम आगे देखेंगे, डाइपोलर सेप्टम होता है इसमें प्रेजेंट, ठीक है, एक्सेप्ट रस्ट और स्मट में, रस्ट और स्मट में डाइपोलर सेप्टम नहीं होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोटाइल जो स्पोर है ना ये एब्सेंस होता है इसमें, इसमें मोटाइल स्पोर प्रेजेंट ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस वजह से इसमें एब्सेंस हो रहा है मोटाइल स्पोर का। नेक्स्ट वन है सोमैटिक स्ट्रक्चर। तो जो सोमैटिक स्ट्रक्चर है, माइसीलियम कंसिस्ट करता है एक वेल डेवलप्ड सेप्टेड माइसीलियम को। तो जो सोमैटिक स्ट्रक्चर में जो माइसीलियम है वो कैसा हो रहा है, बहुत ही अच्छा एकदम सारा डेवलप, अच्छा पूरा प्रॉपर तरीके से सेप्टेज का मतलब जो सेप्टेड माइसीलियम है वो आपको दिखेगा बहुत अच्छी तरीके से, माइसीलियम में आपको सेप्टेशन दिखेंगे। और जो माइसीलियम है वो पास होगा तीन अलग अलग स्टेजेस से, ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के पहले ही, मतलब कंप्लीशन के टाइम पहले ही वो तीन अलग अलग स्टेजेस से पास होगा माइसीलियम, जिसमें होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीन माइसीलियम होंगे, ठीक है, तीन स्टेजेस होंगे माइसीलियम के अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के पहले, ठीक है। पहला आप देखेंगे हम प्राइमरी माइसीलियम क्या होता है। तो जो प्राइमरी माइसीलियम है वो कैसा होता है, वो एक ना हाइफी कंसिस्ट करता है जो यूनिन्यूक्लिएट सेल होता है, यानी कि एक सिंगल सेल होता है उस हाइफी में, ठीक है, एक ही मतलब ऐसे ना एक हाइफीज होती है और उसमें सिंगल सिंगल सेल होता है। तो यूजुअली वो क्या होता है, वो डेवलप होता है और किस से डेवलप होता है, वो जब जर्मिनेशन हो जाता है ना, बैसिडियोस्पोर्स जो होते हैं उसका जैसे ही जर्मिनेशन होता है तो वो डेवलप होने लग जाते हैं। और ये कैसा होता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है पहले स्टार्टिंग में ये, लेकिन ये एक और चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो ये यूनिन्यूक्लिएट तो है ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मल्टी न्यूक्लिएट भी देखने के लिए मिलता है हमें। और जो मल्टी न्यूक्लिएट है, जो बैसिडियोस्पोर जब डिवाइड होता है उस टाइम पे हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जब कभी कभी ना जब जर्म ट्यूब एक साथ मतलब ग्रो होने मतलब ग्रो होने लग जाते हैं, इमर्ज होने लग जाते हैं ना, तो तब हमें देखने के लिए मिलता है ये चीज, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट एक साथ होना बहुत रेयर केसेस होते हैं, कभी कभी मिलता है, लेकिन कब मिलता है कि जब बैसिडियोस्पोर्स जब डिवाइड होता है तो बहुत सारे जर्म ट्यूब्स उससे निकलने लग जाते हैं, ग्रो होने लग जाते हैं। और ये मल्टी न्यूक्लिएट क्या होता है, ये ना इनका जो जो स्टेज होता है ना बहुत कम स्टेज मतलब बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम उनकी जीवायु होती है, शॉर्ट लिव होती है ये। और क्योंकि इसमें जो सेप्टा होता है ना वो डिवाइड हो जाता है, इसमें सेप्टा क्या करता है, डिवाइडिंग कर देता है माइसीलियम को यूनिन्यूक्लिएट सेल्स में, जो सेप्टा ही है ऑलरेडी, क्योंकि देखो इसमें अगर एक बॉडी है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है, तो वो जो उसमें जो सेप्टेशन है, क्योंकि माइसीलियम में इसमें क्या है, माइसीलियम बहुत अच्छे तरीके से सेप्टेड है, ठीक है, वेल डेवलप सेप्टेड माइसीलियम है इसमें, तो माइसीलियम में क्या होता है कि सेप्टेशन हो रहा है, तो जब इसमें सेप्टेशन होता है ना, तो सेप्टेशन में क्या होता है, एक
कंपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस आ जाता है इसमें, तो वो मल्टी न्यूक्लियर ना डिवाइड छोटे ही बहुत कम टाइम के लिए आपको मल्टी न्यूक्लियर देगा और बाद में आपको दिखेंगे कि एक कंपार्टमेंट में एक ही न्यूक्लियस है इस टाइप से। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी में सेकेंडरी माइसिलियम क्या होता है। तो जो सेकेंडरी माइसिलियम है वो प्राइमरी माइसिलियम से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जो प्राइमरी माइसिलियम था उसी से सेकेंडरी माइसिलियम ओरिजिनेट होता है। और उसका जो सेल है ना उसके सेल को हम बोलते हैं डाइकैरियोट। डाइकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, एक तो बाइन्यूक्लियर होता है, दो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और एन प्लस एन न्यूक्लियस होता है इसमें। कैसा होता है, एन प्लस एन न्यूक्लियस होता है और फॉर्म किससे होता है, वो सोमैटोगैमी से ये फॉर्म होता है, बनता है ना सोमैटोगैमी से, बिटवीन दो कंपैटिबल सेल्स के बीच में, ठीक है, दो कंपैटिबल सेल्स है उनकी दो कंपैटिबल सेल्स के बीच में बनता ही है। और ये मोनोकैरियोटिक होता है, मोनोकैरियोटिक यानी कि सिंगल सिंगल जो सेल है ना वो, ठीक है। तो इसमें एक और जो ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक और चीज है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो ये प्राइमरी माइसिलियम है ना इसमें क्या आता है, होमोकैरियन होता है या फिर मोनोकैरियोटिक माइसिलियम होता है इसमें। यानी कि होमोकैरियन या मोनोकैरियोटिक माइसिलियम का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल इसमें न्यूक्लियेट होता है ना, तो जो सेल है वो कैरियोटिक जो सिंगल इसमें फॉर्म्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना यूनि न्यूक्लियेट बोला है, सिंगल है, ठीक है, न्यूक्लियस, तो इसीलिए ये होमोकैरियन और मोनोकैरियोटिक होता है। और जो सेकेंडरी माइसिलियम में ये कैसा होता है, ये डाइकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक डाइकैरियन या डाइकैरियोटिक माइसिलियम होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें जो फ्यूजन होता है दो बैसिडियोस्पोर का या स्पर्मेटाइजेशन का, इसमें फ्यूजन होता है, मतलब मिलते हैं दो बैसिडियोस्पोर इसमें मिलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो मेजर इसका पार्ट है लाइफ साइकिल का, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, मतलब माइसिलियम का जो मेजर पार्ट है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट होता है सेकेंडरी माइसिलियम में। और ये जो स्टेट है स्टेज है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें किसी का कोई वो नहीं है, मतलब ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है ये स्टेज। और इसमें एक्सटेंसिव फेज जो इसमें है वो जैसे कि ना शॉर्ट डाइकैरियोटिक फेज है एस्कोमाइकोटिना का, अनलाइक है लेकिन ये स्टेज, ठीक है। और ये एसोसिएट है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर क्लैम्प कनेक्शन बोलते हैं जिससे, तो ये फॉर्म करता है। क्लैम्प कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि बहुत, मतलब आप बहुत सारा ऐसे ना गुच्छे में आपको कनेक्शंस दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे गुच्छे गुच्छे में कनेक्शंस दिखेंगे आप, थ्रू डाइकैरियोटाइजेशन इसमें टेक प्लेस होता है। डाइकैरियोटाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें मोनोकैरियोटिक जो प्राइमरी सेल्स है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होती है, डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसिलियम में वो कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन अब देखेंगे थर्ड जो माइसिलियम है वो टर्शियरी माइसिलियम है। तो जो टर्शियरी माइसिलियम है ना इसमें क्या होता है कि जो बाइन्यूक्लिएट माइसिलियम है वो एक ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, माइसिलियम इसमें कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है और स्पेशल टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है एक स्पेशल टिश्यू में, और जिसमें ये फ्रूटिंग बॉडीज को फॉर्म करता है, एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसको हम स्पोरोफोर्स बोलते हैं, स्पोरोफोर्स बोलते हैं, और इसको स्पोरोफोर्स को ही हम बैसिडियो कार्प भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मेंबर है ये हायर बैसिडियो माइकोटीना का है, ये हायर बैसिडियो माइकोटीना का ये मेंबर है। अब हमने देखा था ना क्लैम्प कनेक्शन जो गुच्छा टाइप का होता है वो कैसा होता है, तो ये जो क्लैम्प कनेक्शन है ना ये क्या होता है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है और लेटरली ये फॉर्म्ड होता है, और ये क्या करता है, डिवाइडिंग करता है न्यूक्लियाई को, और डिवाइड करता है न्यूक्लियाई को, कब करता है ये, डाइकैरियोटिक जो हाइफी होता है ना उस टाइम पे ये डिवाइड करता है न्यूक्लियाई को, और ये एक्ट कैसा करता है, ये बाईपास करता है, यानी कि ये ना बाईपास जाने देता है न्यूक्लियस को, बाईपास किसको करता है, न्यूक्लियाई के लिए बाईपास होता है, और ये ना पास नहीं करता, किसको पास नहीं करता, मतलब बाईपास तो करता है न्यूक्लियाई को, लेकिन ये कैन नॉट पास, ये पास नहीं कर सकता है सेप्टा स्पोर को, यानी कि डाइपोलर सेप्टम, ये सेप्टा स्पोर जो सेप्टल स्पोर होते हैं ना उसको पास नहीं करता है, बाईपास तो करते हैं न्यूक्लियाई को लेकिन इसको नहीं करता, इसलिए हम इसको डाइपोलर सेप्टम बोलते हैं, नहीं डोनीपोर सेप्टम बोलते हैं। इसमें इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डाइकैरियोटिक सेल का क्या होता है,
मल्टीप्लीकेशन होता है डाइकैरियोटिक सेल्स का, डाइपोलर जो फॉर्मेशन होता है सेप्टम में, ठीक है। नेक्स्ट वन है मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लैंप कनेक्शन, किस तरीके से अब ये जो क्लैंप कनेक्शन हम जिसके बारे में अभी इतना पढ़ रहे थे कि क्लैंप कनेक्शन जो गुच्छा टाइप्स का होता है ये कैसे होता है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो अब हम लेंगे एक बाइन्यूक्लियेट सेल, बाइन्यूक्लियेट सेल यानी कि दो सेल है, ठीक है, आप देख ही रहे होंगे दो सेल है यहाँ पे, ये ए और ये बी, ठीक है, सेल वन सेल बी, तो ये रेडी है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अब बाइन्यूक्लियेट सेल है ये रेडी है अब टूटने के लिए, ये डिवाइड होने के लिए रेडी है। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल लेटरल ब्रांच ना, जिसको हम क्लैंप कनेक्शन बोलते हैं, ये अराइज होता है, ठीक है, यहाँ से। तो ये स्मॉल जो कनेक्शन लेटरल कनेक्शन है ना ये अराइज होता है और दो सेलों के बीच में, ये दो सेलों के बीच में ना ये अराइज हो गया ना, निकल गया, ये आप देख सकते हो इजीली। और ये कैसा होता है, ये कर्व्ड हुक लाइक होता है, ये ना हुक के जैसा होता है। ये हमने एक सिंपल एक हाइफी ली है, ठीक है, हाइफा लिया है और माइसिलियम की एक हाइफी, माइसिलियम का एक जो सिंगल पार्ट है उसको हम हाइफी बोलते हैं, और उसमें हम ले रहे हैं दो बायोन्यूक्लिएट, क्लैंप कनेक्शन में दो बायोन्यूक्लिएट होते हैं, दो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी। अब इसमें एक क्लैंप कनेक्शन हुआ है, इसमें अराइज हो रहा है, कैसे, ये एक सेल मतलब दो न्यूक्लियाई अराइज हुआ और इसमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ना, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि ये जो दो न्यूक्लियाई है ना ये डिवाइड, अब ये हम जो दो न्यूक्लियाई ये डिवाइड होता है साइमल्टेनियसली, एक जो डिविजन ओरिएंटेड है और ये क्या करता है ये डॉटर बनाते हैं, ठीक है, इनसे ये डिवाइड होने लग जाता है। अब जैसे ये बी सेल बी चला गया है, इसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर में जो न्यूक्लियस चला गया है, अब ये डिवाइड होने लग जाएंगे, अपने ये टुकड़े होने लग जाएंगे और ये बनाएंगे एक डॉटर न्यूक्लियस बी बनाएगा, ठीक है, और एक बनाएगा डॉटर न्यूक्लियस बी वन बनाएगा डिवाइड होने के बाद। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है इसमें, इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो जो क्लैंप कनेक्शन, तो जो इसमें जो ये मोड है डेवलपमेंट, जो मोड है डेवलपमेंट ऑफ क्लैंप कनेक्शन का, तो इसमें हमने अभी तक देखा कि ये डिवाइड हो गया है। तो अब ये इसके डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि जब सेकेंड डिवीजन में क्या होता है, अब ये तो हो गया, ठीक है, ये दो सेल्स थे, अब ये डिवाइड होने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सेकेंड डिवीजन में क्या होता है कि ये ना एक लेंथ, मतलब ये बहुत लंबा ना जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है एक एंड से दूसरे एंड में, ये डॉटर सेल बनाने के लिए तैयार होने लग जाता है। और इसमें क्या होता है ए फॉर्म करता है नियर वन एंड में, ठीक है, एक एंड में ए फॉर्म कर रहा है और दूसरे में ए वन अप्रोचेस, यानी कि इसका डॉटर दूसरे एंड में तैयार होने लग जाता है, ठीक है, ये एक मेन सेल था इसका डॉटर बनने लग जाता है। वैसे ही बी में ये बी है और ये बी वन है, ठीक है, तो ये दूसरा बी फॉर्म में ये इसका डॉटर सेल डिवाइड होने लग जाता है। इसका मतलब होता है कि जो कैम्पबेल है ना ये फॉर्म्ड होने लग जाती है, इसमें ये जो कैम्पबेल है ये फॉर्म होने लग जाती है, फ्री कर देती है, फ्यूजेस करती है सेल को। और इसमें क्या, अब ये जो है ना ये यहाँ से ब्रिज बनाना चालू कर देगा, ठीक है, यहाँ से ये ब्रिज बनाना चालू कर देगा। और इससे क्या होगा, इस ब्रिज बनाने से ये जो डॉटर सेल है ना, ये जो डॉटर सेल्स है ये कैसी हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी और ये ना बी पासेस हो जाएगी एक एंड में, जैसे बी है ना ये कि यहाँ से बी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और एक एंड में पास हो जाएगा और एक एंड में पास हो जाएगा, ठीक है, ए का ए जो मेन ए है वो एक इस पे पास हो जाएगा और ए वन है वो दूसरे एंड में पास हो जाएगा। वैसे बी का एक एंड में बी का एक साइड में पास हो जाएगा और आधा जो हाफ डिवाइड है वो दूसरे साइड में बी वन साइड में पास हो जाएगा। अब क्या होता है कि ये इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे ये डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है, ए बी और ये ए डैश और ये बी डैश, ठीक है, एक साइड में ए वन बी वन एक साइड में पास हो गया। तो अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें इसके बाद क्या होता है, सेप्टम फॉर्म होता है। अब ना इसमें सेप्टेशन, क्योंकि अब दो न्यूक्लियस तो आराम से बन गए है ना, तो स्ट्रेच होने के बाद ये टुकड़ों में इनका डिवाइड हो गया और ये दो न्यूक्लियस बन गए। अब इसमें क्या होता है कि क्लैंप कनेक्शन जो है ना वो पॉइंट आउट होने लग जाता है। इसमें वर्टिकल मतलब इसमें ना अब ये जो है ये क्या होगा कि अब ये यहाँ से सेप्टेशन बनाना चालू करेगा,
अब ये जो बी है, न्यूक्लाई बी है, ये इसमें इसके साथ जो ए न्यूक्लियस के साथ आने की कोशिश करेगा और यहाँ से ये सेपरेशन फॉर्म बनाना चालू करेगा, ठीक है। तो इसमें जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर, वो फॉर्म करते हैं दो डॉटर सेल्स को। पेरेंट सेल कौन है? ए और बी। और जो डॉटर सेल बनते हैं वो कौन है? ए वन और बी वन, ठीक है, दूसरे साइड में आप देख रहे हो। और यहाँ से सेपरेशन चालू हो जाएगा। तो अब सेप्टेशन भी हो गया, सेप्टेशन, ठीक है, सेप्टा बन गया। इसमें क्या होता है, आप क्लियरली देख सकते हो कि क्लैम परमानेंटली अटैच रहता है हाइफी से, ठीक है, और ये प्रेजेंस इंडिकेट करता है कि हाइफा कैसा है, डाइकेरियोटिक है, ठीक है, कैसे प्रेजेंस वो कर रहा है कि हाइफा आपका डाइकेरियोटिक हो गया। नेक्स्ट वन इज जॉलिपोसेप्टम। जॉलिपोसेप्टम का मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी हम पढ़ रहे थे कि प्राइमरी जो सेकेंडरी माइसीलियम है उसी में डॉलिपोसेप्टम होता है, टर्शियरी में डॉलिपोसेप्टम नहीं होता है, ठीक है, टर्शियरी में नहीं होता है। जो हमने अभी तक पढ़ा था ना कि तीन माइसीलियम फॉर्म हो रहे हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, तो जो डॉलिपोसेप्टम है वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में ही फॉर्म होता है। तो जो सेप्टम है वो अराउंड दी सेंट्रल पोर, जो सेंट्रल पोर है ना यहाँ पे, ये जो सेंट्रल है, तो जो सेप्टम है तो ये क्या हो रहा है, ये सेंट्रल पोर को ना ये इसको स्वेल कर दे रहा है, ठीक है, फुला दे रहा है इसको, इस सेंट्रल पोर को। और ये कैसा बन रहा है, ये बैरल टाइप का शेप बन जाता है, ये शेप ना ऐसे बैरल टाइप का शेप बन जाता है ये, और ये ओपन होता है जो एंड में ना इसका ओपन होते हैं, ठीक है, एंड्स में ये ओपन होते हैं और ये फॉर्म करता है सेप्टल पोर को, ये सेप्टल पोर को फॉर्म करता है। तो जो ये सेप्टल पोर है ये एक कप लाइक का जो शेप है ना, ये डोम, डोम कैसा होता है, जो हम डोम बनाते हैं जैसे जो बुद्ध का डोम होता है ऐसे ऊपर से जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे उठा हुआ सा यू शेप में, उसको हम डोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कप शेप का ना ऐसा डोम टाइप का सराउंड, उसी से ये जो सेप्टल पोर है ना ये इसी से सराउंडेड हुआ रहता है। और फिर इसमें जो मेंबर है इसको हम पेरेंटोसोम्स बोलते हैं, जो इसमें शेप, सॉरी जो डोम शेप का जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो ये मेम्ब्रेन है ना इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पेरेंटोसोम्स बोलते हैं या फिर सेप्टल पोर भी बोलते हैं, सेप्टल पोर एक कैप टाइप का कैप भी बोलते हैं या न्यूक्लियर पोर कैप भी बोलते हैं। ये किससे बना होता है, ये डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, देख रहा होगा आपका ये ऊपर ये नीचे, ये दो मेम्ब्रेन बने हैं ना डबल मेम्ब्रेन, ये जैसे ये ऊपर ये वाला ये देखो ये एक ये दो, ये डबल मेम्ब्रेन ये एक और ये दो, ये डबल मेम्ब्रेन से बने। इसका फंक्शन क्या होता है कि पोर को बंद कर देना एक तरीके से ना, ऐसे करके ना इसे पोर को बंद कर देना। तो डाइपोलर सेप्टम क्या करता है, ये अलाउ नहीं करता मूवमेंट, न्यूक्लियाई का जो मूवमेंट है ना इसको अलाउ नहीं करता है हाइफी में, लेकिन मेंटेन करता है कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म की ना कंटिन्यूटी को तो अच्छे से मेंटेन करेगा, लेकिन न्यूक्लियाई को क्या, न्यूक्लियाई को अलाउ नहीं करता मूवमेंट करने के लिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो, लेकिन साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी को ये मेंटेन करता है, साइटोप्लाज्म को कि हाँ कि साइटोप्लाज्म इक्वल होना चाहिए दोनों जगह, मतलब मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट वन है, अब आएंगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बैसिडियो माइकोटिना में, तो ये क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बडिंग से होता है, ठीक है, मीन्स ऑफ बडिंग से होता है। बडिंग से अगर हो रहा है तो कैसा होगा, कोनिडिया फॉर्म होगा, और अगर फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है ऐसे ना छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन बडिंग मतलब क्या होता है, उसी में बड टाइप का बनने लग जाना तो कोनिडिया है, और अगर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है हाइफी का छोटे छोटे टुकड़ों में तो अर्थोस्पोर्स बनता है या यूरिडोस्पोर फॉर्म, अर्थोस्पोर बनता है उसमें, ठीक है, और यूरिडोस्पोर्स भी फॉर्म होता है असेक्सुअल। कोनाइडल प्रोडक्शन कैसा होता है, कोनाइडल जो प्रोडक्शन है ना कोनिडिया का, वो अपना बहुत ही इजीली स्मॉट जो होता है, स्मॉट डिजीजेस या रस्ट में नहीं, स्पॉट डिजीजेस जो होता है ना उसमें आप कोनिडिया को एक तो इजीली देख पाओगे, और जो रस्ट है ना रस्ट में क्या होता है, यूरिडोस्पोर बनाता है रस्ट में, ठीक है, जिसे हम समर स्पोर भी बोलते हैं, वो बनाते हैं रस्ट में, रस्ट वीट में जो रस्ट आती है, आगे हम पढ़ेंगे कि रस्ट क्या होता है, वीट में रस्ट डिजीज कॉज होती है, तो उसमें यूरिडोस्पोर बनाता है। तो कोनाइडल क्या है, ओरिजिन और उसका फंक्शन, मतलब
उस इसका ना जो यूरोस्कोर का भी फॉर्म, यूरोस्कोर का भी ओरिजिन और फंक्शन वैसा ही है कोनाइडल के जैसा। यूरोस्कोर कैसा है? कोनाइडल ही है ओरिजिन और फंक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन करती है बैसिडियम को। बैसिडियम में प्रोडक्शन प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर्स का बैसिडियम में। और ये बियर करता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बैसिडियोस्पोर को बियर करता है, ठीक है। और जो हैप्लॉइड बैसिडियोस्पोर को बियर करता है, और जो बैसिडियोस्पोर होता है ना वो कैसा होता है, वो कैरियोगैमी में होता है और मियोसिस टेक प्लेस होता है बैसिडियम में। क्या होता है? मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं था हमने लास्ट टाइम पढ़ा। मियोसिस बनता है, मियोसिस होता है बैसिडियम में। और मोस्ट ऑफ द जो मेंबर है ना इसमें, जो सेक्स ऑर्गन है गैमेटेंजिया, जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स है, तो जो सेक्स ऑर्गन है गैमेटेंजिया जिसे बोलते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होता है, सेक्स ऑर्गन नहीं बनता है, ठीक है। और जो सोमैटिक हाइफी है वो कैसी होती है? वो डिटैच्ड होती है, ठीक है। और डिटैच होती है सोमैटिक सेल से, सोमैटिक सेल से वो अलग रहती है सोमैटिक हाइफी। और सोमैटिक सेल क्या होता है? अर्थ्रोस्पोर। और ये ना यूजुअली सेक्सुअल प्रोसेस में, सेक्सुअल प्रोसेस होता है सोमैटोगैमी से। इसमें जो सेक्सुअल प्रोसेस होता है वो सोमैटोगैमी से होता है। इसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं होता है इसमें, ठीक है। अगर हम पक्सिनिया सेक्सुअल स्पोर्स को देखें, प्रोसेस में देखें, अगर पक्सिनिया का हम सेक्सुअल प्रोसेस देखेंगे, पक्सिनिया के हम लाइफ साइकिल आगे पढ़ेंगे, इसमें अभी हम इतना ही बताते हैं कि जो पक्सिनिया है इसका सेक्सुअल जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटाइजेशन से होता है, ठीक है। और इसमें स्पेशलाइज ऑर्गन होता है, एक ना स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्माइटिया। और जो एक्ट करता है एक मेल गैमेट की जैसे, ठीक है, मेल गैमेट की जैसे एक्ट करता है। और रिसेप्टिव हाइफी एक्ट करती है फीमेल ऑर्गन की जैसे। नेक्स्ट वन, इसमें कि जो सेक्सुअल साइकिल है ना इस वजह से इन्वॉल्व होता है टिपिकल केसेस में, जिसको हम मोनोकैरियोटिक फेज बोलते हैं। और ये एस्टैब्लिशमेंट होता है इसमें डाइकैरियोटिक फेज का और सोमैटोगैमी का। डाइकैरियोटिक फेज का कैसे? सोमैटोगैमी से होता है या तो स्पर्मेटाइजेशन से होता है। और जो ये सोमैटोगैमी या स्पर्मेटाइजेशन कब होता है? प्राइमरी माइसीलियम में होता है। ये जो सोमैटोगैमी या स्पर्मेटाइजेशन हो रहा है ये प्राइमरी माइसीलियम में हो रहा है। और जो उसके बाद क्या होता है, कैरियोगैमी होता है फॉर्म। तो कैरियोगैमी में क्या होता है कि मियोसिस बैसिडियम में, कैरियोगैमी के बाद क्या होता है कि मियोसिस होता है वो बैसिडियम में होता है। मियोसिस, बैसिडियम क्या है? ये फूटिंग बॉडी है ना इसका, तो बैसिडियम जो फूटिंग बॉडी है उसमें फॉर्म होता है। और ये रिटर्न, ये फिर वापस से ये मोनोकैरियोटिक फेज बनाता है और बाय मीन्स ऑफ बैसिडियोस्पोर। बैसिडियोस्पोर से ही वापस से मोनोकैरियोटिक बनाता है। पहले ये क्या करता है? मोनोकैरियोटिक होता है, फिर वो स्टैब्लिश करता है डाइकैरियोटिक फेज बनाता है। फिर डाइकैरियोटिक फेज से ये क्या करता है कि प्राइमरी माइसीलियम को इस डाइकैरियोटिक फेज कैसे होता है, फॉर्म्ड होता है बाय सोमैटोगैमी से, और सोमैटोगैमी से प्राइमरी माइसीलियम के थ्रू। और फिर उसके बाद ये कैरियोगैमी बनाता है, उसके बाद ये मियोसिस फॉर्म्ड करता है। मियोसिस में बैसिडियम, मियोसिस का फॉर्म होता है बैसिडियम, मियोसिस बैसिडियम के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। बैसिडियम में फॉर्म होता है मियोसिस, और ये फिर अगेन ये मोनोकैरियोटिक फेज बनाता है, ठीक है, मींस ऑफ बैसिडियोस्पोर से। तो इसी प्रकार जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेट होती रहती है, ठीक है। मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक फेज की अल्टरनेशन होता रहता है। पहले मोनोकैरियोटिक, फिर डाइकैरियोटिक, फिर डाइकैरियोटिक के बाद फिर कैरियोगैमी, मियोसिस वगैरह ऑकर होता है, फिर मोनोकैरियोटिक फिर से अगेन फॉर्म होता है। अब बैसिडियम क्या होता है? बैसिडियम की एक ना क्लब शेप का होता है, फिंगर लाइक शेप का होता है, एक सेक्शन इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है, जिसके ना जो सरफेस होता है, ऊपर की जो परत, ऊपर की जो लेयर होती है ना ऊपर के साइड में, ठीक है, ऊपर के साइड में क्या होता है, एक डेफिनेट नंबर का बैसिडियोस्पोर होता है। जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं ना, तो वो इसके स्पोर प्रेजेंट होते हैं। स्पोर इसमें सिर्फ चार ही स्पोर प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, बैसिडियम का मतलब होता है सिर्फ चार ही स्पोर प्रेजेंट होना। तो जो कि मतलब इसका एज अ रिजल्ट ये फॉर्म करता है कैरियोगैमी और मियोसिस में। जो बैसिडियोस्पोर है ना
वो कहाँ पे फॉर्म होता है? कैरियोगेमी और मियोसिस में फॉर्म होता है। अब देखेंगे हम कि डेवलपमेंट कैसे होता है बेसिडियम का। तो एक ना सिंपल क्लब शेप का बेसिडियम होता है जो ओरिजिनेट करता है टर्मिनल सेल से, और ये जो टर्मिनल सेल है ये कैसा होता है, ये बाइन्यूक्लिएट होता है हाइफी का, और ये सेपरेट करता है बाकी बाकी जो हाइफी है ना उसको, ये सेपरेट करता है किससे, कैसे सेपरेट करेगा, सेप्टम से। हमेशा याद रखना सेप्टम से हाइफी को सेपरेट करता है। तो जब ये हाइफी को सेपरेट करता है तो ये एक क्लैम कनेक्शन टाइप का, मतलब एक ऐसे जाला टाइप का बना देता है, हमें ना जाला टाइप का कनेक्शन दिखेगा। और पहले क्या होता है कि बैसिलियम है ये पतला सा रहता है, नैरो रहता है, ठीक है, नैरो शेप का, और लंबा सा रहता है, लॉन्गेटेड रहता है। बाद में ये क्या होता है, एनलार्ज होने लग जाता है और ब्रॉड होने लग जाता है, ठीक है, एनलार्ज होने लग जाता है और एकदम ब्रॉड हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई होती है, वो क्या करती है, दो न्यूक्लियाई होती है ना यंग, एक बैसिडियम में होती है, मतलब जो नया बैसिडियम बना है ना यंग बैसिडियम, उसमें दो न्यूक्लियाई होती है, वो फ्यूज करती है। तो फ्यूज को हम कैरियोगैमी बोलते हैं। तो जो फ्यूज करती है, तो फ्यूजन के बाद क्या होता है, ये जाइगोट न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। जाइगोट जैसे ही बना तो जाइगोट बना तो जो न्यूक्लियस है, जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो मियोसिस में मियोसिस स्टेज में चला जाता है, मतलब मियोसिस होने लग जाता है। मियोसिस में क्या होता है कि चार हैप्लोइड न्यूक्लियस बनाते हैं। कैसे बना रहे हैं, चार बना रहे हैं हैप्लोइड न्यूक्लियस, यानी कि एन एन न्यूक्लियाई बना रहे, ठीक है, हैप्लोइड न्यूक्लियाई बना, जो हैप्लोइड न्यूक्लियाई है ना ये फॉर्म करते हैं। और जो चार हैप्लोइड न्यूक्लियाई है तो ये चार हैप्लोइड न्यूक्लियाई बनाते हैं, यानी कि एन नंबर में हैप्लो बना देते, ठीक है, न्यूक्लियस में चार बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो फोर स्मॉल जो जो छोटे छोटे जो आउटग्रोथ होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे फिंगर टाइप के बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिग्माटा, स्ट्रिग्माटा बोलते हैं उसे, ठीक है। तो वो पुश करता है टॉप में बेसिडियम में, और ये टिप में ना क्या करता है कि टिप में ना बेसिडियोस्पोर को फॉर्म करता है, ठीक है, बेसिडियोस्पोर को इनिशियली टिप में वो फॉर्म करता है, मतलब ऐसे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उसके टिप में जाके जो बेसिडियोस्पोर इनिशियली जो उसके टिप में जाके रह जाता है ऊपर में टॉप में बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी के। ये है ना बेसिडियम, ये है फ्रूटिंग बॉडी, इसका जो ये है ना टिप जो ऊपर है ये है बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ पे ये स्पोर है। तो ड्यूरिंग द टाइम जो वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं तो बेसिडियम में क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि दो न्यूक्लियाई होती है, फिर ये डिप्लॉइड होने लग ये इनका इसमें डिवाइड होने लग गया, ठीक है। डिविजन के बाद फिर ये क्या हो रहा है कि डिविजन के बाद ये जो बेसिडियम में ये फूटिंग बॉडी है बेसिडियम, बेसिडियम में ये मियोसिस हो गया, चार पार्टों में ये डिवाइड हो गया है ना। डिवाइड होने के बाद फिर ये न्यूक्लियस, फिर इसमें डिवाइड होने के बाद क्या होता है, फिर ये फॉर्म करता है बेसिडियम। ये देखो ये बेसिडियोस्पोर, सॉरी बेसिडियोस्पोर, एक एक न्यूक्लियस एक एक स्पोर में चले गए, और ये हैप्लॉइड इन नेचर है, हैप्लॉइड है ना ये नेचर में, और फिर ये एक एक इसमें चले गए बेसिडियम में, और बेसिडियो बेसिडियोफोर बेसिडियोस्पोर में बेसिडियोस्पोर ये फॉर्म हुआ, और ये स्ट्रिग्माटा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, जो आउटर ग्रोथ है वो स्टेरिग्माटा है। ये जो आउटर ग्रोथ है ना ये वाली जो ये ग्रोथ दिख रही है आपको, ये स्टेरिग्माटा बोलते हैं इसको, स्ट्रिग्माटा, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली ये हम देखते हैं एंड में ये बेसिडियोस्पोर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब पार्ट ऑफ बेसिडियम, बेसिडियम के अब हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो जो बेसिडियम है वो तीन पार्टों में वो डिवाइडेड है। तो जो पहला पार्ट है वो प्रो बेसिडियम है, और जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस का ना फ्यूजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। ये देखो ये, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे है, न्यूक्लियस का यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है। फिर दूसरा क्या होता है, मेटा बेसिडियम या प्रोमाइसिस, इसमें क्या आ रहा है, पोर्शन वेयर मियोसिस ऑकर, ये मियोसिस ऑकर हुआ। नेक्स्ट वन है स्टेरिग्माटा, पोर्शन जहां पे मेटा बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर के बीच का, ठीक है, ये देखो ये हुआ ना स्टेरिग्माटा। तो स्पॉट और रस्ट में क्या होता है,
स्मार्ट और रस में हम देखने के लिए हमें मिलता है कि फ्यूजन होते हैं दो न्यूक्लियाई का और वो फॉर्म करते हैं थिक एक ना मोटा सा ना वो दीवार वॉल बना देती है स्पोर की, कि जिसको हम बोलते हैं क्लेमाइडोस्पोर को, और या फिर क्लेमाइडोस्पोर एंड टीलियोस्पोर, टीलियोस्पोर का भी फॉर्म करता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, स्मार्ट में क्लेमाइडोस्पोर, रस में टीलियोस्पोर, ठीक है, ये ऐसे करके फॉर्म्ड करता है। ड्यूरिंग जर्मिनेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो क्लेमाइडोस्पोर है या टीलियोस्पोर है, क्लेमाइडोस्पोर स्मार्ट में या टीलियोस्पोर रस्ट में, तो ये क्या करता है, फ्यूजन करता है, दो न्यूक्लियाई का टेक प्लेस होता है स्पोर में और फॉलो करता है मियोसिस। ये दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन करता है स्पोर में ही और फिर बाद में फॉलो करने लग जाता है मियोसिस को, जो मियोसिस स्टेज है उसको फॉलो करने लग जाता है। अब जर्मिनेशन जो ट्यूब है उसको हम बोलते हैं प्रोमाइसीलियम, जर्मिनेशन ट्यूब है उसको हम बोलते हैं प्रोमाइसीलियम, वो फॉर्म होती है और वो क्या होती है, वो ट्रांसवर्सली जो सेप्टेड है, जो कि चार मतलब ट्रांसवर्स जो सेप्टेड है इनटू चार सेल्स में, और हर एक जो सेल है वो कंटेन करता है हेप्लॉइड न्यूक्लियस। हर एक जो सेल है वो क्या करता है, वो हेप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, हेप्लॉइड न्यूक्लियस बनाया हर एक सेल ने, चार सेप्टेड मतलब ट्रांसवर्स सेप्टेड चार सेल में वो हो गया, सेप्टेड हो गया है और फॉर्म कर रहा है। हर एक हेप्लॉइड हर एक न्यूक्लियस बनाएगा, उससे पैसिडियम, पैसिडियो फॉर्म होगा। जो चार सेल है वो चार हेप्लॉइड न्यूक्लियस उसमें कंटेन करेगा और वो पैसिडियो स्पोर बनाएगा। और ये पैसिडियो स्पोर कहाँ पे होता है, स्टिग्माटा में होता है, ठीक है, फॉर्म होता है और प्रोमाइसिलियम में। अब देखते हैं पैसिडियो स्पोर क्या, पैसिडियो स्पोर एक टिपिकली यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सिंगल सेल का है और एक ही न्यूक्लियस है उसके अंदर। ठीक है, कभी कभी दो न्यूक्लियस भी मिलते हैं, ठीक है, वैसे तो एक ही न्यूक्लियस होता है और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक एन होता है, ठीक है, सिंगल एन। और इसमें क्या होता है, जो बैसिडियो स्पोर है वो फॉर्म कैसा होता है, जो बैसिडियो स्पोर है ना वो एक्सोजीनस होता है, मतलब बाहर के साइड में होता है। जो बैसिडियम है ना, ये जो हमारा बैसिडियम है, बैसिडियम के बाहर के साइड में होता है ये बैसिडियो स्पोर, बाहर के साइड में बना है। तो जो बैसिडियो स्पोर है बाहर के साइड में बना है, और ये कैसा है, ये मतलब ये फॉर्मेशन ये ना उसके जैसा नहीं है, कैसे, एस्कोस्पोर के जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एस्कोस्पोर कैसा, तो एस्को एस्कोस के अंदर बनता है, वो अंदर बनता है ना, एंडोजीनस होता है। एस्कोस्पोर कैसा होता है, एंडोजीनस होता है, अंदर की जैसे अंदर में बनता। और जो बैसिडियम है वो कैसा, बैसिडियोस्पोर कैसा है, वो एक्सोजीनस है, बैसिडियम में बन रहा है, बाहर के साइड है वो। इस और इसमें क्या होता है, जो बैसिडियोस्पोर है वो कैसा होता है, ग्लोबुलस शेप का होता है। जो बैसिडियोस्पोर है ना, ये आप देख रहे होंगे ये कैसा है, ये ग्लोबुलस शेप का है बैसिडियोस्पोर। अब ग्लोबुलस शेप का बैसिडियो स्पोर है और ये ओवल शेप का होता है, ग्लोबुलस है, ओवल शेप का होता है, इलॉन्गेटेड है, लंबा सा है, इलॉन्गेटेड, ठीक है, और इलॉन्गेटेड है और हाइलाइट और कलर्ड, मतलब पारदर्शी भी है, आपको ट्रांसपेरेंट भी है या फिर कलर्ड भी है। नेक्स्ट वन, अब डिस्पर्सल ऑफ बैसिडियो स्पोर। अब यार डिस्पर्सल ऑफ बैसिडियो स्पोर का मतलब क्या होता है, कि बैसिडियो स्पोर कैसे डिस्पर्स होता है एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कैसे फैलता है, ठीक है, डिस्पर्स कैसे होता है बैसिडियो स्पोर का। तो डिस्पर्सल ऑफ बैसिडियो स्पोर, डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है कि मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, कि बैसिडियो स्पोर ना किस तरीके से अब स्प्रेड होता है उसका, एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से स्प्रेड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस जैसे चल रहा है ना, तो वो कैसे स्प्रेड हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, थ्रू ह्यूमन, है ना, ह्यूमन के थ्रू स्प्रेड हो रहा है ना, वो कफ वगैरह के थ्रू और स्पोर वगैरह उसके जो एयर में उसके स्पोर ये जो वायरस के जो ये ड्रॉपलेट्स है ना, जैसे ह्यूमन का जो ड्रॉपलेट्स है उसके थ्रू हो रहा है, नॉट स्पोर, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, है ना, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू, या फिर कंटामिनेटेड अगर जैसे आपने कुछ चीजें जैसे टच वगैरह करी तो उसके थ्रू इन्फेक्ट हो रहा है ना। तो इसी प्रकार ये बैसिडियो स्पोर है, ये कैसे डिस्पर्सल हो रहा है, मतलब किस तरीके से फैलता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, डिस्पर्सल और बैसिडियो स्पोर के बारे में। मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि जो स्पोर है वो रिलीज होता है, मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि जो स्पोर ना रिलीज होता है, और रिलीज हो जाता है, रिलीज होके क्या होता है ये बहुत ही मतलब
वॉयलेंटली रिलीज होता है ये, और ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं बैलिस्टोस्पोर, बैलिस्टोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये पॉसिबल है कि इस मैकेनिज्म में कि जो स्पोर है ना वो डिस्चार्ज निकलने लग जाता है, और जो स्पोर है वो डिस्चार्ज होने लग जाता है, और इसमें क्या होता है कि जैसे ही स्पोर डिस्चार्ज होता है इसमें क्रिटिकली जो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मतलब बहुत सारे मैकेनिज्म दिए गए हैं कि स्पोर ना किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, किस तरीके से निकलता है स्पोर। तो ऐसे बहुत सारे सजेशन दिए गए हैं जिसमें से बुलर थे, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि किस तरीके से पहले ये इंसान वो थे कि उन्होंने पहले फर्स्ट एग्जामिन किया था उस चीज को देखा था और बताया था कि स्पोर कैसे डिस्चार्ज होता है। अब इनकी बुलर के हिसाब से क्या होता है कि जो बैसिडियो स्पोर है ना वो क्या होता है कि टिप पे होता है, स्ट्रिग्माटा की जो टिप पे होता है, और वो टिप पे होता है। टिप पे होने के कारण क्या होता है कि ये ऑब्लिक्यू फैशन में होता है और ये बबल और ड्रॉप बनाता है। ठीक है, बबल टाइप का होता है वो। अभी हमने देखा था कि बैसिडियो स्पोर जो स्ट्रिग्माटा में कैसे बबल शेप पे होता है, तो उनके अकॉर्डिंग जो बुलर ड्रॉप के अकॉर्डिंग जो लिक्विड है ना, जो ये लिक्विड कंसिस्ट करता है, ये हिलारल अपेंडिक्स बनाता है। ठीक है, हाइलर अपेंडिक्स बनाता है, सॉरी ये हाइलर अपेंडिक्स बनाता है, यानी कि एक माइन्यूट प्रोजेक्शन बनाता है। और इस प्रोजेक्शन में क्या होता है कि स्पोर जो होते हैं, माइन्यूट प्रोजेक्शन बनाता है स्पोर का, और इसमें ये पॉइंट करता है, यहाँ पे अटैचमेंट होता है स्ट्रिग्माटा से, ये अटैच होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैसिडियो स्पोर के डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, ये बैसिडियो स्पोर के डिस्चार्ज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कॉल्ड इसको बोलते हैं बुलर ड्रॉप, जो बुलर ड्रॉप बोला जाता है, जो कि कंसिस्ट करता है एक लिक्विड जो कि हिलर अपेंडिक्स फॉर्म में होता है, और एक माइन्यूट एक प्रोजेक्शन टाइप का होता है जहाँ से स्पोर अटैच होता है, स्पोर ना जहाँ पे जो स्पोर है वो अटैच होता है उस पॉइंट में, उस पॉइंट में, किस पॉइंट में, स्टेरिग्माटा में अटैचमेंट होता है, और वहां से ये डिस्चार्ज होता है बैसिडियो स्पोर्स, वहां से डिस्चार्ज होने लग जाता है। अब नेक्स्ट वन, जो ये ड्रॉप है ये देखो दिख रहा है, ये बैसिडियो स्पोर है ये, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ड्रॉप ना इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है साइज में और एक्सपेंशन होता है इसका, इंक्रीज हो रहा है साइज में और क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन होते ही क्या होता है, ये एकदम मतलब एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज होता है, जैसे फटता है ना एकदम से डिस्चार्ज, एक्सप्लोसिव डिस्चार्ज हो रहा है उस तरीके से डिस्चार्ज होता है, और ये एक डिस्टेंस ऑकर करता है 0.1 mm का, 0.1 mm का इसका ये एक डिस्टेंस ऑकर करता है, जैसे ब्लास्ट होता, जैसे एक्सप्लोज होता है तो ये 0.1 mm का ये डिस्टेंस ऑकर करता है। ठीक है, और जो स्पोर्स है वो डिस्चार्ज होता है सक्सेशन एट द इंटरवल ऑफ द सेवरल सेकेंड टू मिनट्स, मतलब हर एक सेकेंड से इंटरवल, मतलब सेवरल सेकेंड से मिनट तक ये स्पोर डिस्चार्ज होते रहते हैं। ठीक है, स्पोर्स ये डिस्चार्ज होते रहते हैं। नेक्स्ट वन, बैसिडियोकार्प, बैसिडियोकार्प जो फंगस फ्लावर, ठीक है, बैसिडियोकार्प क्या होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये दिख रहे हैं आप बैसिडियोकार्प, ये एक ना फ्रूटिंग बॉडी है, तो ये फ्रूटिंग बॉडी है जो कि बियर करता है बैसिडियम को, बैसिडियम को ये बियर करता है, ये दिख रहे हैं, ये बैसिडियम को ये बियर करता है, बैसिडियम को बियर करता है, विच मे बी क्रस्ट लाइक, ये क्रस्ट के जैसा भी हो सकता है, जिलेटिनस के जैसा भी हो सकता है, या पेपर ही टाइप का भी, पेपर टाइप का भी हो सकता है, स्पॉन्जी भी हो सकता है, एकदम स्पंज के समान, कॉर्की भी हो सकता है, कॉर्की यानी हार्ड होना, ठीक है, वुड के समान भी हो सकता है इसका टेक्सचर, इसका जो टेक्सचर है दिखने में ये इन इन ऐसे ऐसे हो सकता है, इसका जो टेक्सचर है जो आप टच करते हो तो ये ऐसे ऐसे इन इन टेक्सचर के हो सकते हैं, जेल लाइक जिलेटिनस टाइप का होता है, जेली जेली टाइप का, पेपर टाइप का होता है, या स्पॉन्जी टाइप का, स्पॉन्ज स्पंज टाइप का वैसा ना इसका टेक्सचर, कॉर्की टाइप का, वुडी टाइप का, ये अब ये क्या होता है, ये वैरी करता है साइज में, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक,
ये वेरी करता है साइज में, एक मतलब 1 मीटर से ये माइक्रोस्कोपिक में, माइक्रोस्कोपिक साइज से मीटर तक ये वेरी करेगा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक से मीटर तक वेरी करेगा, या फिर डायमीटर तक, ठीक है, डायमीटर तक ये वेरी करेगा। ज्यादातर जो बेसिडियो माइकोटीना है ये क्या करते हैं, ये ना बियर करते हैं बेसिडियम को। ज्यादातर ये जो बेसिडियो माइकोटीना है ये बेसिडियम को बियर करते हैं इन बेसिडियो कार्प में, ठीक है, लेकिन रस और फंजाई को छोड़ के। रस और फंजाई में बेसिडियो माइकोटीना में आता है, लेकिन जो रस और फंजाई है ना इसमें बेसिडियो कार्प नहीं होता, ये बियर नहीं करता है, ठीक है, बेसिडियाई ये बियर नहीं करता है, ठीक है, बेसिडियो कार्प। और बेसिडियो जो कार्प है ना वो क्या होता है, जो बेसिडियो कार्प है वो प्रोड्यूस करेगा फ्रूटिंग, वो प्रोड्यूस करेगा मशरूम को, सॉरी प्रोड्यूस करेगा फंजाई को, जो कि बेसिडियो का जो फंजाई को प्रोड्यूस करेगा वो कौन कौन से है, मशरूम है, ठीक है, मशरूम है, उसके बाद कौन सी है, तो ये क्या करेगा, ये एक जो बेसिडियो कार्प है ना ये प्रोड्यूस करेगा फंजाई को, फंजाई को प्रोड्यूस करेगा। बेसिडियो कार्प क्या होता है, एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है, जो बियर करती है बेसिडिया को, बियर करती है। और जो बेसिडियो कार्प है वो फंजाई को प्रोड्यूस करेगा, और फंजाई को प्रोड्यूस करेगा तो ये कैसा होगा, फंजाई यार मशरूम, एग्जाम्पल है इसका मशरूम है, ठीक है, मशरूम है, शेल फंजाई है, ब्रैकेट फंजाई है, कोरल फंजाई, पफ बॉल, ब्रैकेट फंजाई, और बर्ड जो बर्ड नेस्ट फंजाई है, अर्थ स्टार एक्सेट्रा, ये इतने इतने फंजाई को ये पॉज करेगा, मतलब ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बेसिडियो कार्प प्रोड्यूस करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, रस्ट और स्मट में ये बेसिडियो कार्प जो है, रस्ट और स्मट में ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, रस्ट और स्मट में ये बियर नहीं करता है बेसिडिया, बेसिडियो कार्प ये नहीं होता है, ठीक है, बेसिडिया बियर नहीं करता है। नेक्स्ट वन है बेसिडियाई, बेसिडियाई क्या है, ये जो उसमें ही बेसिडियाई ये फॉर्म करता है टिपिकली डेफिनेट लेयर कॉल्ड हाइमेनियम, ये एक डेफिनेट लेयर फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं हाइमेनियम, ठीक है, ये डेफिनेट जो लेयर फॉर्म होता है मतलब रहती है, उसको हम उस लेयर को बोलते हैं हाइमेनियम। और जो हाइमेनियम लेयर है ये कंपोज किसकी होती है, बेसिडाई की, ठीक है, जो हाइमेनियम लेयर है ये कंपोज किसकी होती है, ये किसकी कंपोस्ट होती है, ये बेसिडाई की कंपोस्ट होती है। अब जो ये हाइमेनियम लेयर जो है ना ये बेसिडाई की कंपोस्ट होती है, बनती है मतलब बेसिडाई से। और अदर जो स्टराइल स्ट्रक्चर है वो जो उसके दूसरे और भी जो स्टराइल स्ट्रक्चर है जैसे ये वाला, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइटिडियम, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिस्टिडियम, सॉरी नॉट इट्स अ सिस्टिडियम, जो स्टराइल स्ट्रक्चर है ये सिस्टिडियम है, ये कैसा है, ये एक लार्ज है, लार्ज स्ट्रक्चर है, प्रोट्यूड बियॉन्ड अदर स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर के बियॉन्ड है, ठीक है, और इसका टेक्सोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिस्टिडियम है ये। और जो ये सिस्टिडियम है ये है, ये वाला जो है ना ये बेसिडियोल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हो ये रिसेम्बल करता है, यहाँ पे रिसेम्बल करता है ये बेसिडियम को, ठीक है, बेसिडियम को रिसेम्बल करता है, लेकिन विदाउट बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर नहीं होता इसमें, बेसिडियम को रिसेम्बल करेगा ये लेकिन बेसिडियोस्पोर नहीं होगा। और ये प्रोवाइड करेगा मतलब ये प्रोवाइड करता है कि सपोर्ट करता है कि फर्टाइल जो ये बेसिडियम है ना, बेसिडियम ये जो है ना ये बेसिडियम है, ठीक है, इसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है, इसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये चार चार एक ही इसमें रहते हैं तो इनको सपोर्ट करता है ये, कि ये वीक हो जाता है ना थोड़ा सा, तो इनको ये सपोर्ट करता है फर्टाइल बेसिडियम, और फर्टाइल बेसिडियम, ठीक है। अब ये जो है ना ये है बेसिडियोस्पोर, कैसे ओवल शेप का दिख रहा होगा, अंडे के आकार का ओवल शेप का है ना, ये है बेसिडियोस्पोर जिसकी हम बात कर रहे थे, ये होता है डिस्पर्सल, ये स्पोर है, ये है बेसिडियोस्पोर। और ये क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम,
ये वाली जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम बोलते हैं बैसिलियम। ये है जो ये जो क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं बैसिडियोल, बैसिडियोल बोलते हैं इसको, ठीक है, बैसिडियोल, ये क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बैसिडियम इसको, बैसिडियम को ये सपोर्ट देता है, ये बैसिडियोल है। और जो ये है ये सिस्टिडियम है, ये लार्ज बॉडी है स्ट्रक्चर, और ये टेक्सोनोमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लार्ज बॉडी है पोटियोल, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टिडियम बोलते हैं, ठीक है। और आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये कितने 1 2 3 4 ये डिस्पर्सल हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 बैसिडियोस्पोर्स होते हैं, ये बैसिडियम है, बैसिडियम में 4 बैसिडियोस्पोर्स होते हैं प्रेजेंट। अब जो ये 4 बैसिडियोस्पोर्स इसमें प्रेजेंट हुए हैं, अब इन 4 बैसिडियोस्पोर्स में क्या होता है, ये 4 ही बैसिडियोस्पोर्स बैसिडियम में प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसा है, ये एक्सोजीनसली है, यानी कि ये अबव है ना, ऊपर में है, एक्सोजीनसली बाहर के साइड में ग्रो हो रहा है, ये इनसाइड के बैसिडियम जो फ्रूटिंग बॉडी इसके अंदर नहीं हो रहा, जैसे हमने एस्को कार्ट में यानी एस्को स्पोर्स देखे थे ना, एस्कस के अंदर थे, एस्को स्पोर्स कैसे थे, वो 8 एस्को स्पोर्स थे एस्कस के अंदर थे, लेकिन बैसिडियम में क्या होता है कि बैसिडियो स्पोर ऊपर से होता है, एक्सोजीनसली होता है, ऊपर से होता है, वो एंडोजीनसली था, एस्को स्पोर्स कैसा था, एस्कोस्पोर्स जो था, एस्कोस्पोर्स जो था वो था एंडोजीनसली, और जो बैसिडियोस्पोर्स है वो कैसा है, बैसिडियोस्पोर्स आपका है एक्सोजीनसली। ये चीज, ये डिफरेंशिएशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्कोस्पोर है एंडोजीनसली और बैसिडियोस्पोर है एस्कोजीनसली, और एंडोस्पोर है नहीं, एंडोस्पोर है नहीं, सॉरी, जो एस्कोस्पोर है वो एंडोजीनसली है, और जो बैसिडियम है वो है बैसिडियम, बैसिडियोस्पोर है वो क्या है, एक्सोजीनसली है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और इसका डिस्पर्सल इजीली इस तरीके से इसका डिस्पर्सल होता है। नाउ थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।